हुकूमत से गलती हुई, पहले पायलट से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी, पहले गैर कानूनी लाइसेंस याफ्ता पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई करते, शो कॉज जारी करते। पीआईए की साख खतरे में है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा CAA का लाइसेंस मशकूक या जाली नहीं हो सकता, अभी तक कोई भी लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। रिश्वत लेकर नौकरी लेने और देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हुकूमत ऐलानात के बजाय कार्रवाई करे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एविएशन सेक्टर को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उनके प्रोफेशनलिज्म को माना जाता है, आज उसकी साख खतरे में है। यहाँ पर हमने बयान पहले कर दिया और जो सिविल एविएशन रूल्स के मुताबिक कार्रवाई है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि जिस आदमी ने रिटन एग्जाम में चीटिंग की है, इस लिस्ट में है या नहीं है, उसके लाइसेंस फौरी तौर पर कैंसिल होना चाहिए। 28 पायलटों को शो कॉज हुए, कुछ अदालत चले गए, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है कोई लाइसेंस अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। लाइसेंस के इशू का जो CA जारी करती है, PIA के एयर किराए से कोई ताल्लुक नहीं। जिन लोगों ने PIA में सिफारिशें कराकर या रिश्वत देकर नौकरियाँ हासिल की, उनका भी इस लाइसेंस के इशू से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नौकरी देने वाले को, लेने वाले को, दोनों कसूरवार हैं। लेकिन इन तीनों मामलों का, इस लाइसेंसिंग के इशू का, इन 262 पॉइंटों से ताल्लुक नहीं है।